Today we are going to do question number 1, that is Rupesh secures 495 marks out of 750 in his annual examination. Find the percentage of marks obtained by him. तो वी नीड टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। 495 मार्क्स जो आए हैं वो आउट ऑफ 750 आए हैं, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका परसेंटेज बनाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि 495 मार्क्स अगर ये आए हैं आउट ऑफ 750, देन वी कैन राइट इट एज 495 अपॉन 750। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 495 अपॉन 750, और ये देखते ये फ्रैक्शन बन गया। इसके बाद हम इसको चेंज इनटू परसेंटेज कर लेंगे, चेंज इनटू परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारा 495 अपॉन 750 मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हम कर देंगे। देखिए इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद ये बचेगा 75 और ये 10, 5 से काटेंगे 2 जा 15 जा, और 15 से जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 15 3 जा एंड 15 3 जा, अब 33 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 66%। तो ये हो जाएगा कि रुपेश ने अपने एनुअल एग्ज़ाम में जो परसेंटेज पाया वो था 66%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज़ रुपीज़ 15,625, इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो उसकी पहली सैलरी थी, पुरानी सैलरी थी 15,625, इसी का 12% निकाल के इसमें ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट, तो देखिए इसका इंक्रीज अमाउंट कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 15,625, ये हमारे इसका इंक्रीज अमाउंट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 15,625। अब जब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको रिड्यूस करेंगे 25 से तो ये 4 जा हो जाएगा, और इसको रिड्यूस करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा पहले 6 जा, देन ये हो जाएगा 2 जा, एंड आफ्टर दैट ये हो जाएगा हमारा 5 जा। उसके बाद हम इस 12 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमारा यहाँ पर अच्छा 4 से इसको रिड्यूस कर देते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, 4 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 जा हो जाएगा, और अब हम सिर्फ 625 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। 625 में हम 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर 7 और फिर 18। अब ये जो रुपीज़ आया है ये इंक्रीज अमाउंट है, अब हम लिखेंगे न्यू सैलरी, क्योंकि न्यू सैलरी जो है वो इतना बढ़ने के बाद हुई है, उसमें हमको पुरानी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वी विल राइट हियर न्यू सैलरी इक्वल ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज अमाउंट, जो हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ओल्ड सैलरी देखिए कितना था हमारा 15,625, और जो इंक्रीज अमाउंट हुआ है वो है हमारा 1,875। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपीज़ 17,500, ये उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी टाइपिस्ट की, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3।
The excise duty on a certain item has been reduced to ₹760 from ₹950. Find the reduction percent in the excise duty on that item. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए कैसे करेंगे. इसमें एक्साइज ड्यूटी जो थी वो कम कर दी गई है, 760 कर दी गई है, पहले वो 950 थी. तो सबसे पहले हम जो डिक्रीज हुआ है वो निकालेंगे. डिक्रीज तो निकालने के लिए हमें 950 माइनस 760 करना पड़ेगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ₹190. देखिए ये डिक्रीज़ हो गया. अब परसेंटेज में कितना डिक्रीज़ हुआ वो निकालेंगे. तो हम लिखेंगे परसेंटेज रिडक्शन इक्वल, इसका एक फॉर्मूला होता है, जितना रिड्यूस हुआ है अमाउंट वो लिखेंगे हम, रिड्यूस अमाउंट अपॉन प्रीवियस अमाउंट, जो प्रीवियस अमाउंट था वो लिखेंगे, कोई भी अमाउंट हो इसका फॉर्मूला यही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम. जो रिड्यूस अमाउंट है हमारा वो हम लिख देंगे 190, जो प्रीवियस अमाउंट था हमारा, प्रीवियस अमाउंट था 950, और मल्टीप्लाई बाई 100. जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 जा में चला जाएगा, और 5 से 100 जाएगा 20 टाइम्स, तो जो परसेंटेज आएगा वो आपको मिलेगा 20%. यानी जो रिडक्शन हुआ एक्साइज ड्यूटी में वो 20% का रिडक्शन हुआ. नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज ₹10,464. व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट. तो इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा. जब हम 96% कॉस्ट की बात करेंगे, 96% कॉस्ट किसी चीज़ की है, इस टीवी की ही मान लेते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू ₹10,464. तो यूनिटरी मेथड से हम निकालेंगे सबसे पहले 1% के लिए, कि अगर इसी चीज़ की 1% की कॉस्ट देखा जाए. तो जब यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं तो जो सेकेंड लाइन होती है, जब 1% की निकालेंगे तो डेफिनेटली द अमाउंट विल बी डिक्रीजिंग. तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,464/96, एंड देयरफॉर उसके बाद हम 100% के लिए फाइंड करेंगे. 100% के लिए फाइंड इसलिए करेंगे क्योंकि जो 100% होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है उसका फुल अमाउंट, यानी जो टीवी की टोटल कॉस्ट है वो 100% ही होगी. तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10,464/96, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर. इसको हम करेंगे तो ये 4 से रिड्यूस हो सकता है, 4 से रिड्यूस होगा तो ये 24 टाइम्स होगा, और ये हमारा 25 टाइम्स होगा. उसके बाद हम ये 10,464 को 24 से चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, यहाँ मैं इसको 6 से रिड्यूस करता हूँ, ये 4 जाएगा, और इसको मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, फिर 7 जा, फिर 4 जा, एंड फिर 4 जा. तो इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आ गया. और 4 को फिर रिड्यूस कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 1744 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ 436. यानी लास्टली हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 436 मल्टीप्लाई बाई 25. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 0, देन 8, 1 एंड 2, और ये क्रॉस लगेगा यहाँ पर. फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 72, और दिस विल बी 8. इसको ऐड ऑन कर लेंगे हम तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10. दैट मीन्स जो 100% कॉस्ट होगी टीवी की वो हो जाएगी ₹10,900, और ये उसकी टीवी की टोटल कॉस्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.
Now we are going to do question number 5. 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 504. Find the number of boys in the school. तो देखिए जो boys का percentage है that is given to us, तो हम उसको लिख लेते हैं boys हैं 70%. तो definitely boys और girls ही पढ़ते हैं और उनको मिला करके 100% होते हैं total student. तो girls का जब number निकालेंगे तो we will write here 100% minus 70%. तो मिल जाएगा 30%, यानी 70% बॉयज़ हैं और 30% गर्ल्स हैं. अब गर्ल्स का परसेंटेज भी हमारे पास है और गर्ल्स का नंबर भी हमारे पास है, सो वी कैन कंपेयर इट. वी कैन से दैट 30% स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 504, यानी 30% जो गर्ल्स हैं या स्टूडेंट बोल सकते हैं वो 504 के इक्वल हैं. उसके बाद हम 1% के लिए निकाल सकते हैं. 1% के लिए डेफिनेटली यहाँ पर लेस देन 504 होगा, तो वी विल हैव टू डिवाइड 504 बाई 30. इस तरीके से 1% के लिए आएगा. और उसके बाद हम यहाँ पर बॉयज़ का हमको चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़. तो बॉयज़ का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयज़ का परसेंटेज ही कंपेयर करा देंगे. बॉयज़ का जो परसेंटेज था वो था 70%. तो 70% डेफिनेटली 1% से ज़्यादा होगा, मोर देन होगा. तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 504 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 70. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हम रिड्यूस कर देंगे, 3 से 504 को रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1 जा, फिर उसके बाद हो जाएगा 6 जा और फिर हो जाएगा 8 जा. और 168 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए कितना 6 मिलेगा, पहले 7 देन 11. तो इतने हमारे बॉयज़ आ जाएंगे स्कूल में और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का.